हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इरोन्स फार्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इफ़ इट्स पेरीमीटर ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका पेरीमीटर है इक्वलेटरल ट्रायंगल का वो क्या है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया, यानी कि इसकी एरिया क्या होगी, वो ट्रायंगल की एरिया क्या होगा। ठीक है, आपसे ये कह रहा है। ठीक है, तो जो इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, यानी कि उसकी जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, सबके सम सेम होती हैं। ठीक है, इक्वलेटरल होते हैं यानी कि साइडें क्या होंगी, ये साइडें इसकी होंगी। ठीक है, सेम होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर यानी कि गिवन है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पी इजक्ल टू यानी कि 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर जो हो जाएगा, पी इजक्ल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि 180 इक्वल टू 3a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 बाई 3, तो 3 वन जा 3, 3 सिक्स जा 18। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, आगे हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ इक्वलेटरल होता है वो क्या होता है, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर हीरोइंस फार्मूला का फार्मूला लगाकर उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे भी कर सकते हो आप, तो रूट 3 बाई 4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो रूट 3 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और डबल ज़ीरो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3, तो एरिया क्या आ जाएगा, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहोगे हीरोइंस फार्मूला भी लगाना तो आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एस इज्कल टू क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, लेकिन यहाँ पर ए बी सी जो होगा वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, ए के इक्वल क्या करोगे, रख दोगे, ए की वैल्यू सारी जगह पर पुटअप होगा, ए के जगह पर भी, बी के भी प्लेस पर भी और सी के भी प्लेस पर भी। ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलना, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है वो क्या होता है, यानी कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसकी जो साइडें होती है, यानी कि दो साइडें जो होती हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होता है बट ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो आपको यानी कि दो साइड गिवन है, ये ट्वेल्व गिवन है, ये साइड आपको निकालनी पड़ेगी, एक्स मान लो निकाल लो। ठीक है, और फिर उसके बाद एरिया आपको निकालना है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट द थर्ड साइड क्या मान लो एक्स। ठीक है, और साइड क्या गिवन है आपके पास, जो साइड्स गिवन है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 12 + 12 + x। ठीक है, पी की वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको 30 दे रखा आपके क्वेश्चन में, 30 गिवन है। ठीक है, 30 इक्वल टू 12 + 12 करोगे तो 24 + x। ठीक है, x आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30 - 24 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो तीसरी साइड है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे सेमी पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो यही जो आपके पास एक्स आया यही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू पुटअप करोगे, 12 + 12 + 6 / 2 यानी कि 30 / 2, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फार्मूला अप्लाई कर दूँ, तो ए इक्वल टू एरिया का जो फार्मूला होगा, ठीक है, एस एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आई है 15, ठीक है, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस क्या वैल्यू मिली है आपको एक्स की वैल्यू 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या बचेगा यहाँ पर 9, ठीक है, 15 का फैक्टर कर दो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू यानी कि 9 ले सकते हो 3 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यानी कि ये क्या होगा वो बन जाएंगे जोड़े बन जाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं ये फैक्टर होगा नहीं बाहर आएगा नहीं, तो 3 इंटू 3 रूट के अंदर ऐसे 15 बचेगा, ठीक है, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 रूट 15, यानी कि जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्या है ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल है, हमको क्या करना है एरिया निकालना है, ठीक है, यानी कि ये 18 हो गया और ये 10 हो गया, ये आपको क्या करना हो निकालना होगा, ठीक है। तो ये आप ए मान लो, ये बी और यहाँ पे सी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ भी आपको एरिया ही निकालनी है, ठीक। तो मतलब एरिया को फाइंड आउट करना है, यानी कि गिवन डाटा क्या है, गिवन जो डाटा वो क्या है ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू गिवन नहीं है, पी गिवन है पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो पी की वैल्यू क्या है 42 इक्वल टू ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 माइनस, ठीक है, यानी कि सी इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा 28, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। अब आप एरिया का फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, जब आप एरिया का फार्मूला अप्लाई करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर पहले आपको एस की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, तो एस की जब आप वैल्यू निकाल दो जो एस होगा वो क्या होगा यानी कि पी बाई टू, ठीक है, तो 42 बाई 2 यानी कि एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटअप करोगे 21 ब्रैकेट में 21 माइनस ए की वैल्यू 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यानी कि 21 इंटू 21 माइनस 18 करोगे 3 आएगा, 21 माइनस 10 11 और 21 माइनस 14 यानी कि 7 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 21 का फैक्टर कर दो तो क्या होगा 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है, आपके पास 2 7 है 2 3 है, ठीक है, तो ये 1 एक 3 इधर आ जाएगा एक और 7 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 11 रूट के अंदर, तो 21 रूट 11, ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हाँ, आप लोग यूनिट लिखना भूलिएगा नहीं तो मार्क्स आपके कटेंगे। दूसरी चीज़, ये जो यूनिट है ये रूट के अंदर मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक, यूनिट के अंदर मत गए नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती किसी भी क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है, ठीक है, वो कर देगा कमेंट कर देगा, मैं उस जो जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी जहाँ भी प्रॉब्लम होगी मैं अगेन उसको समझा दूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर, ठीक है, इज अ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रेंगुलर द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल बींग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग सॉरी पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं टाइल्स लगाओ 16 टाइल्स लगी हुई, ठीक है, ट्रेंगुलर शेप की, ठीक, जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है, ये कह रहे हैं कि उनकी पॉलिशिंग करने के लिए जो कि
कॉस्ट आती है 50 पैसा आता है, ठीक है, यानी कि 1 रुपये का हाफ आता है, ठीक है। कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो क्या करो, पहले एरिया निकाल लो, उस एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो यानी कि इसमें जो गिवन है वो ट्रायंगल के साइड की बने, यानी कि a = 9 सेंटीमीटर, b = क्या है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट c = 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी वैल्यू में क्या गिवन है, नंबर ऑफ टाइल्स हैं 16 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s = क्या होगा, a + b + c / 2, यानी कि 9 + 28 + 35/2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ऐड करने पे यानी कि ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 8 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 5 + 8 = 13 और 9, ठीक है। ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 + 2 = 5 + 2 = 72/2, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 36 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक। अब आप फार्मूला अप्लाई करो इसका, ठीक है। जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे, a = √s(s - a) (s - b) (s - c), ठीक है। तो s = क्या, 36, ब्रेकेट में 36 माइनस a की वैल्यू 9 है, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, ठीक है। यानी ये जो स्टेप हो जाएगा, ठीक है, वो 36, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना बचेगा, 27 इनटू यहाँ पर आएगा आपके पास 8 × 1, 36 - 35 करोगे तो 1 आ जाएगी रूट, ठीक है। 36 को क्या ले सकते हो, 6 × 6, 27 को 3 × 3 × 3 और 8 को 2 × 2 × 2, ठीक है, ये चीज़ लिखोगे तो यहाँ पर ये 6 इसका बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, तो 6 × 3 × 2, ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3 × 2, ठीक है। 6 × 3 = 18 × 2 = 36 √6, ये आपका एरिया आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो एरिया है वो ओनली एक टाइल्स की आई है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल्स है, ये क्या है, एरिया ऑफ वन टाइल्स, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, यानी कि एरिया ऑफ वन टाइल है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट = एक टाइल्स का हमको एरिया मिला, ठीक है, तो हमको 16 टाइल्स निकालना है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और पैसा कितना लग रहा है, यानी कि पैसा जो लग रहा है, ठीक है, इधर आप देखिएगा 50 पैसा लग रहा है, ठीक है। तो पैसा नहीं, हम रुपीज़ में निकालेंगे, ठीक है। तो या तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, 100 से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 1/2 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो 1/2 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, तो रुपीज़ में हो जाएगा, 2 × 2 = 16, ठीक है। तो 8 × 36 √6 हो जाएगा, तो 8 को क्या करोगे, 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 8 × 6 = 48, 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, ठीक है, √6, ये क्या होगा, रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका पैसा आ जाएगा, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी, 288 √6 रुपीज़ लगेंगे, कितने, 16 टाइल्स को पॉलिश कराने में, ठीक है।